है सनाया और आज सनाया का है प्रोग्राम। कौन से सॉन्ग में करेगी? मैं मयूरा, मैंने पहले थी। बहुत धन्यवाद। लोग तो शायद कम होंगे ना, मिलते सुनसा की कटवा छोड़े सब बाबरे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ममता रावत देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आज फिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज जा रहे हैं हम एरियर ग्रामर स्कूल और वहां पर है एनुअल फंक्शन और वहां पर आ रहे हैं संदीप चिलबर्ट जी और आगे वहां पहुंच के आपको बताते हैं वहां का कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है। और देखिए दोस्तों ये है गढ़वाल टंकी पदमपुर। देखिए अभी तक नहीं आए, काफी टाइम लगा दिया इन्होंने। ये आ गए किस और लोग भी। तो दोस्तों पहुंच गए हम एरियर ग्रामर स्कूल। और ये सन्नू भी रेडी हो गई। सन्नू का भी प्रोग्राम है। सन्नू कौन सा सॉन्ग? यशोदा, मैंने पहले छनकाई। अच्छा अच्छे से करना। हाँ ठीक है, तब छन गए पायल पे ढंग से कर। गुड़िया तेरा है सनाया और आज सनाया का है प्रोग्राम। कौन से सॉन्ग में करेगी? मैं यशोदा, मैंने पहले छनकाई। और देखिए सन्नू कुछ इस तरह तैयार हो रखी है, प्यारी सी डोर लग रही है सन्नू देख। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सनाया के स्कूल में और ये उसकी मम्मी है और ये उसकी जेठी माँ है और यहाँ पे हो रहा है अभी प्रोग्राम शुरू। चलो मौसम ना चलो। और यहाँ पे है अब प्रोग्राम, यहाँ पे आ चुके हैं सभी गार्जियन लोग, अभी आने भी लग गए। ये मौसा जी तेरा भी डांस है बेटा, कौन से प्रोग्राम में? चलो जाओ अच्छे से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो शायद कम होंगे ना, मिलते सुनसा की कटवा छोड़े सब बाबर है ना, तो मैं तो लाऊ ना कोरदार भी छोड़ा उन लोगों। तो सबसे पहले मैं मंच तक प्रणाम कर दूं और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र रावत जी प्रबंधक एरियर ग्रामर पब्लिक स्कूल पदमपुर, पूर्व स्टाफ खड़े धन्यवाद और जनता खड़े भी धन्यवाद जो उन्होंने तब बुलाया था जो उन्हें बकुल हीरो बना दिया उन्हें, न तो हमेशा मिलना हो रहा। मैं जान चाहिए पहली बार आना चाहिए पदम पर माँ कि गौर से सुना मेरी दीदी आओ संदीप छिलवट क्या कहता है, ये काल बस गया मैं देखो कैसे सहता है और 80 साल का बुजुर्ग भी बोलता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
कि कलजुग का ये नखरा छिन्ने कलजुग की च मर्जी, कलजुग का ये नखरा छिन्ने कलजुग की च मर्जी। अर मर्दू भरछी राधा रुक्मण बैठुल भन्नचुनु शिवजी, बैठुल भन्नचुनु शिवजी। एक गीत चा आप सभी बना हुआ कि मैं कोर द्वार कम दिखे मैं तो सुबेर पैठ गया चाहता पर मिल दुगड़ में एक गीत सुन दिया कि भाबर ने जौला नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत भाबर ने जौला मैं वहां पे सल गए चाहे तब का एलवान में मके तो चचा सिर्फ गीत चल तो आवा संग्रांत बजान सो कि ढिक चिक वाहू वाहू बजा दू हत्ती ताड़ी, ढिक चिक वाहू वाहू बजा दू हत्ती ताली, डीजे पर नचना छी देखो दूर जिठन अरबुआर अच्छ लगत तो ताली बजा लिया कि ले क्यों का बहुत रुपए खर्च करे हमी पर पर तो सीट बजा और बहुत अच्छी इसको जय नाम से ग्रामर मतलब व्याकरण मैं खड़े गुरजोल वाले कि बेटा घर जाना और समझ ले कि आज तिल वो पैडल लिटरेचर साहित्य पैडल बोल व्याकरण मैं गार के बोए पैदर फोड़ गया कि बोए मैं खड़े व्याकरण मैं खड़े व्याकरण तसा मास्टर मैं टीसी वापस घर पहुंचा दे किसी ने व्याकरण नहीं सर दैट इज ग्रामर। तो आप सभी जान दो कि आज का सिंगार सिंगार बहुत मतलब जन बोल जन कोरोना आज आवे से भयंकर सिंगार हुई और एक हम मर्द छो हमर सिंगार क्या छ छतम बैठे खाणो छ मीन हीरो छ कोई हीरोइन आने तो वही लुए मा आन चाहे जब वालों ने बीएम कप हो आजकल का लड़की बनाची भूली मैं पापा की परी हूँ जब कब परी थी तो खुश हुई मैं पापा की परी हूँ तो निर्भयाओ हम अपने बुगा का चमगा दड़ चो सरकार भी बने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनी ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इन बेटियों को स्कूटी चलाना ढंग से सिखाओ पर सी न्यार बटे ससुराल मत बटे ले जाओ झंडा चौक में स्कूटी अटर अरे मैंने कब बटे ससुर को बचाओ पर नहीं हम सिर्फ बेटी बचाएंगे तो हमारे दंगड़ी का भेदभाव के लिए होना चाहिए जय घर मां लड़की होना न सब क्या बोलते ना हमारे घर में लक्ष्मी हो रखी है ये निर्भर क्या हो जहाँ हम हो रहे हैं हम कड़े भी बोल दो कि हमारे घर में भैरव हो रखा है नागराजा हो रखा है वीर मेहमदा हो रखा है हम कड़े कुछ नहीं लड़की तो लेकिन कथी जाना चाहिए घुमाना तो कथी घुमा मार्केट में मेरी गुड़िया ओ बुबजी ले जाना चाहिए गुड़िया मेरी गुड़िया को क्या चाहिए पापा पापा मुझे ना डॉल चाहिए हाँ तू भी डॉल मैं भी डॉल मैं नाम ले क्या घबरो मेरे विवाह ना पर बुबा खाना बना रहे थे देखे चलो मेरा मुझे बंदूक चाहिए बल मुझे पता था तो आतंकवादी बने गए एक दिन तो हम मर तो खड़े ये तो नुकसान हमार तो सकल में बार बजे रहने ना और तुम धागर में कुछ साल पहले मिलो तो जरूर आपसे ज्यादा है साधु लेकिन मी दगड़ी एक आत्मघाती हमला हो गया ही कि मैं यार ब्याह हो गया दीदी भी परेशान से ये नहीं हों दीदी बच्चों घर का चलो दी उठो मैं तो घाट छोड़े का आ गया हूँ मेरे को यार मैं घर में तुम बहुत भोले हो बस अच्छे अच्छे में भोले बहुत शरीफ हो बस तुम्हें तो कोई भी पेड़ को बना सकता है मैंने कहा पहली कोशिश तो तेरे बुबा जी ने कर रखी है ससुराल से क्यों मैं अब तो खैर जरा उन हो गया मैं शुगर वालों मतलब मौत का करो पहले मैं छिल बेटी छा तो क्यों मैं ससुराल में तो और जमाई उखने की दारू शरबत यार मैं खड़े लिया हूं क्या पुदीनहरा और जमाई उखने मटन चिकन पनीर मशरूम मैं खड़े हूं का दलिया का पैग लिया जो आंगनबाड़ी में मिलती जमाई बल
हम लाठे की खाना सब और जो यू खड़े गेस्ट हाउस खुल देने फार्म हाउस खुल देने उत्ती बारी वाई मथे की बारी खुली और मैं खड़े मेरा ससुर जी को ना जाओ इन्हें बटे रुपये जाओ बल नी दबल खटला भी है कि जाओ खड़े मेरे ससुर खड़े सुबह ले ससुर जी को ना जाओ रात तुम का जोगल पतने को आई खे और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आदरणीय राकेश साजी जोरदार तालियों का वास्ता माथे चंद में नजर बैठलो तरफ ज्यादा रहे उन तरफ ने देख सागर हमारा बहुत पुराना निर्देशक छे उनकी नक्श कदम पर चलनो छो तो जोरदार ताली होन सागे नाम ही हूं राकेश राहु के तो शनि कट्ठा छे ऊपर कट्ठा मिला राकेश नाम है तो सुबह ससुर जीवना जमे बल तुम का जो बल रात बल पता नहीं कल धरी बल मैं खटलमा ऐल मुनिया मंगता मिल वमर के एक फेंक दिया सास बनी बल वो बल ऐल मुनिया मंगता नहीं छाबल जमे का हाथ खुट छाबल इत का परीक छाबे और जब ब्याह हूं तो ब्याह से पहले क्या हूं ना मांगन और मांगन से पहले वो बाजे तलाक बना से मांगन से पहले हूं देखा भली लाइक डिसलाइक तो निगाह में किला में भारी शर्मा मिला फोन में पूछो दिन तो जीव पूछन होलो मुई की फोन आ गया ये जीवन में तो तुम्हारा फोटो चाहिए भगवान का सम खुश हो गया मैं क्यों को मतलब मैं छ सो कुछ अगर मेरे फोटो चाहिए तो हूं मैं कुछ मैंने कहा खींच दूंगा फोटो बट फोटो तो चाहिए बट यू नो सलमान कट सलमान खान कटम चाहिए बा मिला छुची सलमान खान तो मोटो तकड़ो डिल्डो ला दिम से मितिन सजन चिंगम चपाई नहीं खेस बच्चा सर बहरा सर देता बन्ना जी न बल में दबल तो मर बल फोटो चाहिए इस बार चल यो मिल लाइन से डोंट फोटो खिंचाना कर मैंने कहा भाई साहब फोटो खींचना वेल निकालो बट खुम करी बूथ रख दूंगा निम चलियो चल बल बाहर उधर है बल फोटो स्टूडियो तो वक्त गयो फोटो खिंचाना के मैंने कहा भाई साहब फोटो खींच दो भाई यस खड़े हो जाओ तो वह गयो मैं खड़ू ठीक ठाक ही नहीं कड़कड़ू मैंने कहा फोटो तो खिंचाने पर सलमान खान के कट में बस तो एक कोट कमीज सब बाहर उतार दो और तब बॉडी दिखान सा ऐसे तो भगवान का सम्मान दिखानो जब तक ससार में जीव विज्ञान में बेहतर रह चाहो कंकाल तंत्र अब फोटो खींचा हो फोटो में ससुराल भेज दिया अब वही लो फोटो मेज में धर दिया तो जो भी वही फोटो तो देखो क्या बनो हे राम कह दिन मुआर शिव बनेर बगे आओ मुआर नहीं हो बन मार मंगे तर से बस अच्छा हूं क्या जो हमारा भूली छे ने नए नए यखम भी दिखेना छी यूं का सपनों का राजकुमार को छी अक्षय कुमार सपने मु ही दिखे नो ते मैं जाऊं अक्षय कुमार जनवा शाहरुख खान जनवा गोविंद जनवा अल्लाह तुम को मिल दो ते ढिंडू का यार पप्पू ये छू का तो प्राणपति तो यदि आप धड़कन तो मैं दिल बनूंगा आप सरगम तो मैं सुर बनूंगा मौका मिला तो भूई का सम फिर मिलूंगा अभी आनो छो ये तो पहले शुरुआत है धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बहुत शानदार धन्यवाद आपका संदीप खिलबर के लिए जोरदार तालियां और अब आप हम आपको आम रघुपति खजानी भजनी तन छे रघुपति खजानी भजनी तन छे रघुपति खजनी तो भजनी तन छे रघुपति I'm
आदमी के साथ उसके रिश्तेदार उसके अपने खड़े रहते तमिल पर त्यावक एल्बम दिया सब यार पैतर खड़ा हुए यहाँ चाचा है मालम समझ गयो मैं कि ई बेबता से हमारे तरफ है एक भाभी जी नाराज ना हो यहाँ दीदे आओ क्योंकि जब तक मैं बीएसटी नहीं कर दू तब तक मेरे कुटुंब धरने पड़े तो एक भाभी जी और भाभी जी पर डेट के लुक बिंदी जरा ही ना बचे आना है डोंट मेक ए नॉइज हियर डोंट घिबराट भिबराट तिबराट दियर चलो मैं डिस्टर्ब है जानता हूँ ना तो भाभी जी को डेट को लेके बिंदी पैरी और भाभी जी देखे मेरा नमस्कार बाओ नमस्ते नमस्ते दियोरा तो बिंदी दिया मैं एकदम से भाभी जी मुंह को कमर बिंदी पड़ी मेरा भाभी जी का बड़ी बिंदी के लिए पैरी सा बलिया त्यारे भाजी बल मुआटा कर तो जब मापुक सुहाग तन सुहाग प्रतीक बिंदी बिंदी का बिंदु एक महीना बाद मिल गया फिर हुई भाभी में था मेरा नमस्कार भाभी जी बिंदी क्या अद्धा मेरा भाभी जी बिंदी अद किले भाई बोलिया पीण बैठ गया पीण बैठ गया बोल कमजोर हो गया बोल तो वो तब उन्हें फिर बिंदी भी अद हो गया कुछ दिन बाद फिर दिया मैं तो बिंदी परी कट कुछ चल ये भूल छा भी है कमी इन कट के इन मिला भाभी जी ये बिंदी इत बलिया पता नहीं कब है जान बल कत ही हो गया कड़ गच बल अब फिर अब तक 10 दिन बाद जाए तो बिंदी फिर उतरी हो गया मिला हे तड़ासरा हे इष्ट देवता हो सा हो गई सब मिला भाजी ठीक हो गई ना बनना बन मिल त्यार भाजी चेंज कर दी ना आजकल जमाने इन आ गया अच्छा एक है वे थे फैशन बना चे लोग थे कि संस्कार होगी सस्ता देखो फैशन होगी महंगा संस्कार होगी सस्ता देखो फैशन होगी महंगा और चार लड़कों की होगी निर्वेगी और कमर पर कसी उचल लहंगा कमर पर कसी उचल लहंगा फैशन बहुत अगने बढ़ गया ब्यावा की दिन याद करो मित ने करो 2 दिन थे यार ब्यावा दिन क्या हुंदा जो फीमेल मतलब दीदी बोले रहने उनको मेकअप होने रहे है ना वे मिलते आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान मेहंदी भी मेहंदी के दिन जरूर पहुंच जाना और जी भर मेहंदी लगानो ब्यूटी पार्लर सड़के रहे मेहंदी लगानो कोई नहीं रहे आजकल जमानिया न होगी तू मेकअप लगनो रहते और हम मर्द खड़े क्या आचे ए वक बैठ मैं लमंग लगा कब 20 कुर्स लिया अभी एक बटुए भटू उठा वक बटुए करछू लूठा और जो हम जब तो भीतर तैयार होना अरे अंदर मत आओ लेडीज तैयार हो रही है बनाए मकान हमारा तैयार होना चाहिए हमारे भी तो प्याव की जब बात चलने चाह तो वे दिन तैयार करो कि ब्याह का दिन के क्या होना उना भटे ब्योला अरे इना भटे की ब्योली के सहेली वो गेट पर गेट बैंड बाजा सब बंद या कका सब आना छे बैर न जे बाद बैठे बिजनौर बैठे जन अभी हमरा आदरणीय राकेश साहब जी गीत लगाई पलायन पर अब ऊ द के मतलब दे से ऊ द पलायन से ऊ का गीत अलग रदे आज मेरी
बोला यार तक बटा गयो हम अपना जी के फेर बोला ली थी। अब गेट लगे जब न बटे लड़का बोला इना बटे लड़की बोला मुन में लट्या लट्या मामा पत्ता गारा वो देखी कका अच्छे माटी का फूल देख लेना उन्हें देखी इक्कीसा ना मेरा नाम नहीं सच उन्हें देखी हपा हपा देखी बल छटिया की चेक एक अलम बल लटल अच्छी बल नेर भगाओ बल बाबा रामदेव भैया अच्छी क्या मामा। अब जब जय माला हूं तो जय माला मा भी एक सीन है फे गई कि जब ब्योली अंत ब्योली मत बटवे का भाई चुन्नी भी रख दिन रखते ना ऊपर से है चुन्नी अंगी नच नचदा इन्हें कच्चे ससुर इन्हें बच्चे ससुर इन्हें हल्का ससुर हल्का मतलब गाँव का ससुर हल्का ससुर सब बैठा जब नच अब किरिम कोडर अब किरिम कोडर ताली बजा दो बड़ा मोच है बुला कर सीट ना भाई लड़की नहीं हो लड़का अब उना बटे ब्योली आनी ओ जय माला न्यार विवाह राम दा उन्हें बट पियो जाने तब तक डीजे वाला गीत लगा देने मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल में हाथ रख दे तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए तेरे आने की खुशी मेरा दम निकल न जाए मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल में हाथ रख दे। अब ले आराम से आ और अगर वो लेके स्टेज पे कदम चल जल्दी इन कह दे तब तक कैमरा बोला ए पीछे पीछे अरे मैंने कहा कितने पीछे 29 साल में तो उस बेचारी की शादी हो रही है अब और कब कब पीछे ठलना थे वो अब आनी रंगो ब्योली आनी है मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल में हाथ रखना तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना चाहे अरे जिसके आने की खुशी में दम निकल रहा है तो उसको क्यों ला रहा है चल फूल दिए अब जो आ रही ना आता है कि लगा दे दे जौन पाणो थे पहले गाली जाई ये भौजी तुम्हारी क्या लगे दी जौन पाणो थे पहले ये भाजी तुम्हें क्या लगती क्या लगती क्या लगती अगर बोले जाके ब्योली की बुए लगती तो कतर भी है तो तब डीजे बोलो अब ब्योली आ गया समय अब फिर इन बड़ी रहो मंच खिंचोड़ से बोला मैं कहने वाल चलो अरे मैं छिलवर तो ना बोलो आ तुम्हें हीरो खिचड़ से बात खिचड़ बैठ गयो ये राम अब वो चाह सुगर वो तो बम अब वो दम हुई ले जन खेत तो मैं मुड़ी तब जो ने पिछना रखा चार पैर होगा चाह उन उधर में फिर मची अब वक्त में भी एक सीन हो ना जय मालमा कि जो लड़का का ब्याह लगा वरनारायण का जो वो रानी फ्रेंड वो बीन उठा दे लो जो माला पड़ दे वो जोड़ा उतर लो इन मां वहां का मतलब क्या छ बियोल तो उठाए दे एला उठा दे वो भगवान बिल्कुल नियर बाय नजदीक हो जाओ समय हो जाओ कि भगवान तू ही देख से आ गया। अब जब जय माल हूं दुए का बात तब हमरा ये भूली छन जो यो तो गडल गीत पसंद है हकीकत में जो हमारे नए जनरेशन से मातृभाषा दूध भाषा बन भी नहीं चाहिए शर्म लगने होता है
अभी राकेश साजिल गीत गाए कै समझ में आवे, और अगर वो कोई उन गा दे ना तो तुझे दूल्हा किन्ने बनाया भूत नी के, तो अभी भगवान कसम भगवत बिना जाना इन जमन आ गए। अब वो नए नए भूली डांस करना थी डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। बोलनी बुबा का दिया रावल पैसा कि मेरी बेटी है ले, तब तू गाना बजा दे। अब तक न मकाना आट भी करती यू नो क्राइम डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। इन गाना आटे कि नगो की दी आटे की तो सोनम पाना अट्टे सुर मंगसे निगालन कोड़ जाऊं। अब यही गीत है एक दानी बुढ़ी सुनी बुढ़ी सुनी ये राम इतका दानी कि हम राजा कब मिस कॉल आना मत बैठे अब तक टेस्ट मैसेज भी कि व्हेन विल यू कम अप मत कब आओगी। अब बुढ़ी साहब दिमागदार के लगी गीत जो नयू और बुढ़ी साहब पुरानी ओ जाना भाव ना बॉडी भी रसना घोषिक ना मेरे घोषिक बैठे बॉडी। अब बोडी सुनो हो यो तो गीत नए जमे पुराण सो तो बोडी मंगलेरो बीच चल गया। आजकल तो मंगल ग्रुप चलना अच्छी कतकों के खुलिया अच्छी, लेकिन जो लोक संस्कृति की बात आने तो भाई राकेश साह जी को नाम है मां कि लाइक ओल्ड इज गोल्ड बैक द क्लीन वर्ल्ड तो मंगलो में भी कह आ जाना अच्छा पता नहीं है कि मुन्ना ना का मंगल सी है कि वहाँ का सी क्यों हों लोत का चार ना गोत्र चार का। अब बूढ़े चलिया मंगलेरु बीच और मंगल धुनमा डीजे वाले गीत कन बनी बोरी सोने ले रे ब्योला सोने ले रे ब्योला सोने ले रे माहौल हमार पूरु चेंज कि विद्या ददाति विनयम गुरुजी से कहती मिल विसी कपड़े स्कूल में गुरुजन मेरे बाल बेटा विद्या ददाति विनयम बेटा तिल सुधरण इनयम न उनयम तू ना पै आजकल व्रत भी आनो छ एक बार जोरदार ताली छोटी बच्चों के लिए जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम करके गए।